हेलो फ्रेंड्स, तो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने आज टोटली कर लिया डिस्कस पहले। तो आप टेस्ट सीरीज जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी और इसका इम्पोर्टेंस और कैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें को ट्राई किया अचीव करने के लिए। एक्सप्लेन है की वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना होगा 73rd का और कैसे वो सब्सिडियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, मतलब कि ये एक तरह से देखिए तो इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप का है कि मतलब कि जो कुछ चीज़ें हैं जो लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से की जा सकती हैं फंक्शंस गवर्नमेंट की, उसी को प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी कहा जाता है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, उसका इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि कैसे वो हेल्प करता है एफिशिएंसी में, इफेक्टिवनेस में। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये भी आपको साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इसका मतलब है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसके पास एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन है वो इंस्टेड ऑफ सेंट्रल लेवल वो करना चाहिए इमीडिएट या लोकल लेवल पे, ठीक है। रेदर देन मतलब कि ऐसे होता है कि सिर्फ फंक्शन करता है कोऑर्डिनेशन का, बल्कि नहीं, उसको मेन काम करना चाहिए जो नीचे के लेवल का गवर्नमेंट फंक्शनरी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन है वो सब मतलब लोगों के पास लिया जाता है, सिटीजन के पास लिया जाता है। तो चेक्स वो चेक किया जा सकता है कि जो एक्शन है वो एट कम्युनिटी लेवल जस्टिफाइड है इन द लाइट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, कि वो सही है या नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, राइट। तो वो हो जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो एक तो इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होता है कि लोग नीचे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी आता है, लोगों को पता होता है प्रॉब्लम का, नॉलेज का, उसके सॉल्यूशन का। तीसरा कि क्लियर डेलिमिनेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, क्योंकि वॉट एवर कैन बी डन बेस्ट एट पार्टिकुलर लेवल शुड बी डन एट दैट लेवल ओनली, ना कि एट हायर लेवल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे एकदम क्लियरली डिफाइंड होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। साथ में बेटर डिसीजन लिया जा सकता है और पॉलिसी मेकिंग लिया जा सकता है। ये इससे क्या होता है, इंटीग्रली लिंक्ड होता है एट द लोकल लेवल, जो लोग हैं वो बेटर अप्रिसिएट कर सकते हैं कि हार्ड चॉइसेस नीड टू बी मेड इन गवर्नेंस। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी जो है वो रेलिवेंस उसका बढ़ जाता है इंडिया जैसे देश में, जो कि इतना बड़ा देश है, इसका इतना लार्ज ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो आप लिखोगे, ओके। उसके बाद बाकी और क्या उसका बेनिफिट है, एक तो कि ग्रेटर पावर डिवॉल्व किया जा सकता है टू द ग्रास रूट लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू टू हैंडल 29 फंक्शनरी लिस्ट, मतलब 11 स्केड्यूल में 29 फंक्शन मेंशन है ना, आपको पता होगा। तो वो जैसे कि हो गया रूरल हाउसिंग, प्रॉपर्टी एलिवेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब ज़्यादा अच्छे से डील किया जा सकता है। ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा कम्युनिटी का ग्राम सभा इस्टेब्लिश करके, और बेटर इफेक्टिव ट्रांसफ़र होगा फंड्स का, किसके थ्रू, स्टेट फिनांस कमीशन के थ्रू। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो था उसमें था ना ये कंपलसरी प्रोविजन कि आपको स्टेट फंक्शन फिनांस कमीशन भी बनाना होगा, तो उसके थ्रू। तो फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये तीन वर्ड जो है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, तो ये तीनों में अगर प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी फॉलो किया जाए तो बेटर होती हैं चीज़ें। तो वही बात इस आंसर में लिखना होगा, आपको बताना होगा कैसे। मेकिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो उससे क्या होगी, रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल लेवल पे, और साथ में कोर्ट्स को इंटरफेयर करने में मतलब कि अलाउड नहीं है इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ पंचायत्स। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें सही होंगी। अब देखा गया कि जो केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं ये दिखाते हैं कि कैसे 73rd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फीचर और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो करता है और लोकल गवर्नमेंट जो है उस वो बेटर हो सकता है अंडर दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जैसे मैंने कहा फंड फंक्शन फंक्शनरीज ये तीनों चीज बेटर होंगे, तो आपको यही लाना होगा इस आंसर में, बस इतना ही करना होगा। आप चाहे इसके लिए माइंड मैप यूज़ करें या सिंपली पॉइंट वाइज यूज लिखें या इसको डिस्क्राइब करते हुए लिखें, बट अल्टीमेटली अगर आपका ये पॉइंट क्लियरली आ रहा है आंसर में तो आपका सही होता है आंसर।